अस्सलाम वालेकुम, मैं हाँ राय साजिद, तो तुसी वेखदे पियो RSM फार्मिंग यूट्यूब चैनल। अगर ते तुसी मेरे चैनल ते नवे जे, इनू सबसक्राइब लाजमी कर दियो ते बेल आइकन बटन नू दबा दियो, मेहरबानी, तुहाडा हौसला अफजाई। ते अगर मेरी कोई गलत गल है या इहदे विच कोई अगर मसला होवे जो मेरी तुसी रहनुमाई कर दियो थले कमेंट्स दे विच। अगर मेरी वीडियो कोई खराब किसी भाई नू पसंद नहीं आउंदी तो थले कमेंट्स दे लाजमी तुसीं मैनूं दस्सिया ताकि मैं वो अपनी जिहड़ी भी मेरी कोई गलती है कुत्ता ही मैं ठीक कर लवां। अस्सलाम वालेकुम। ते अज मैं तुहाड़े वास्ते वीडियो बना के लैण दी कि जिहड़ी साडी राया है ना वो हुण बिल्कुल इंशाल्लाह पक के तैयार होगी थोड़े दिनों तक, क्योंकि 120-140 दिन की फसल है। तो अज माशाल्लाह साडी फसल 110-115 दिन की होगी। तो हुण असीं उहदी कंडीशन चैक करनी भी इहनूं कट्टणा किस टाइम है, क्योंकि अगर असीं ज़्यादा सुका देवांगे तो और थोड़ी देर की जो सबज दाना होएगा उहदी टंप नमी ज़्यादा होएगी, तो उहदे जनाब कट्टण का टाइम सही टाइम जिहड़ा ना, क्योंकि हुण पिछले थोड़े दिन 13-14 तरीक नूं जिहड़ा ना पिया सी कोहरा, तो उहदी वजह तों जिहड़ा ना कनोले का रंग तो बदल गया, लेकिन सही जिहड़ी फली है ना वो नहीं सही पक्की। पहले तो असं जो रंग बदल जाती सी उस टाइम असं जाके तो कनोले नूं कटाई करा के 5-7 दिन की उन्होंने धुप्पा लवानी है तो खुश्क हो जाना, जो फिर गा देना। इस टाइम रंग कनोले बदलते पैण, खासकर राया जी कनोले ने राया। तो तुसी हुण जाके ना अपने खेत के बिच फसल के बिच वड़ के तो उन्हें सीटियां जिहड़ियां जिहड़ी फलियां लगी हुई उन्हां फलियां नूं जनाब तोड़ के तो उन्हें खोल के तुसी चैक करना। अगर तो उन्हां दा रंग भूरा या काला तुहानूं महसूस काला काला जिहड़ा दाणा जिस तरह की पक गया तो फिर तुसी कटाई करा दिओ। कटाई करा के तो जिहड़े कनोले जिन्हां दे ज़्यादा सख्त है ना जो मोटे थले मुढ़ और तुसी 2 फुट उत्तू वढ़ना, उत्तू 2 फुट वढ़ के वो जनाब तुसी उत्ते ही उत्थे अपने खेतों के लम्मा पा देना, वो खुश्क हो जाएगा। जदों 4-5 धुप्पा लवानी थल्लों भी उन्हें हवा लगती रहेगी, 2-2 फुट थल्लों जिहड़े मुढ़ जाणगे उन्हां दे उत्ते होना तो उत्तों भी तो जल्दी खुश्क हो जाएगा। उस तो बाद जनाब तुसी उन मशीन दे विच पा के हारवेस्टिंग कर लेनी, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी क्योंकि पक्की पकाई फसल जिहड़ी है ना वो साड़ी नुकसान ना हो जाए। कोहरे की वजह तो रंग चेंज कर गई तुसी जनाब बड़े गौर नाल फलियां नूं चैक करके फिर तुसी लैणी। अगर तो फलियां सावियां तो फिर 7-8 दिन रुक जाओ, जे अगर फलियां दे दाने जिहड़े हैणगे फलियां तो बाहरों पीड़ियां हो गई लेकिन उन्हां दे हाली दाने जिहड़े ना वो हाली नहीं पक्के वो सबज़ ही हैं, तो फिर तुसी 4-5 दिन हफ्ता रुक जाओ बाहरों या जिथों पानी की ज़्यादा निकासी होगी उतों सबज भी होने तो विचू जाके तुसी चैक करोगे ना तो विच जाके फलियां रंग भी चेंज होया पेगा तो दाने भी वो सैड वाली जिहड़ियां तुसी उन्हां नूं भी तुसी वेखना उतों लेबां नूं तुसी आखना भी छड्ड दिओ वो विचली, क्योंकि विचली फुर ना जाए जिहड़ी विच पई विच खेतां दे। ते मैं जनाब मेरा ज़हन सी भी चलो यार टाइम ही कनोले दा तो भाई सारे जड़े हूँ क्योंकि मक्की लाने की भी जल्दी सानू तो मौसम उनका रंग भी चेंज हो गया तो वो पक्की पकाई फसल जी खराब ना हो जाए। उम्मीद करना है कि तुसी सारे एहतियात कर सो तो तुसी साडा चैनल जड़ा है इन्हों सबसक्राइब करो तो बैल आइकन बटन जड़ा उन्हें दबा दो, क्योंकि जिम्मेदारी के बारे जिहड़ियां भी वीडियो हैं ना तुहानू मेरे चैनल तो मिलदियां रह सन, जिहड़ा मेरे को तजर्बा है लोगों को तजर्बा लैके, क्योंकि जिहड़ा ना आप खुद तजर्बा कराने तो पहले तुसी किसी के तजर्बे तो फायदा उठा लो गे तुहानू ज़्यादा फायदा होगा, खुद नुकसान करके तो अगले साल तुहानू उस तजर्बे का फायदा कोई नहीं।